जैसा कि दोस्तों आपको जो है टैंकर में दुनिया भर का पाइपलाइन दिखेगा। हाँ, कोई भी टैंकर में जाइए, चारों तरफ बस पाइपलाइन ही पाइपलाइन है। तो यहाँ पे और एक पाइपलाइन की मैं बात कर लेता हूँ, जो आपका स्टीम लाइन होता है। स्टीम लाइन क्या होता है दोस्तों? स्टीम लाइन, जैसे आप कुछ हैवी कार्गो अगर लोड करते हैं तो उसको जो है हीट करना पड़ता है। हीट करने के लिए टैंक के अंदर आपका स्टीम कॉयल्स रहते हैं, पाइपलाइंस रहते हैं, जिसके थ्रू से स्टीम जाता है और वहीं से फिर दूसरे लाइन से वापस आता है ताकि कार्गो हीट हो जाए। तो ये डेक का एक है, डेक में ये लाइन दिया हुआ है। हर एक टैंक के ऊपर जो है एक स्टीम का मैनिफोल्ड बना रहता है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। ये आपका हो गया स्टीम मैनिफोल्ड, स्टीम मैनिफोल्ड, और ये सिल्वर कलर का जो लाइन आपका जा रहा है, देखिए दोस्तों आपके ऊपर। तो ये हो गया स्टीम का, एक हो गया आपका इनलेट और एक हो गया आपका ये स्टीम लाइन। यहाँ से ऑपरेट करने के लिए है, कभी कभार कुछ ड्रेन करने के लिए रहता है। डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक स्टीम मैनिफोल्ड हो गया, अभी मैं बहुत आगे हूँ तो ये बॉनपोर्ट का हो गया। देखिए ये सेम स्टीम लाइन जो है ये ऊपर जा रहा है, जाके जो है ये यहाँ पे भी है। ये स्टीम मैनिफोल्ड हो गया आपका वन स्टारबोर्ड का। ऐसे हर एक टैंक के ऊपर जो है एक एक करके आपका स्टीम मैनिफोल्ड दिया हुआ है और स्टीम लाइन भी दिया हुआ है। ये स्टीम लाइन ऐसे ही करके जो है पूरा आपका, ये देखिए ऊपर में आपको दिख जाएगा, ये स्टीम लाइन एकदम चमक रहा है। ये जो है पूरा आपका पीछे जाएगा, ये पूरा जहाज के एकदम पीछे तक जाएगा, स्लॉप टैंक्स एंड आरओटी यहाँ तक ये जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बस एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, स्टीम लाइन भी आपको दिखा दिया ताकि एक जनरल आइडिया मिल जाए। जुड़े रहिए मेरे इनर्स कॉर्नर के साथ ताकि मैं आपको और भी ज़्यादा अपडेट दे पाऊँ। थैंक यू।